नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल PKCSE पर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे SSC की नई वैकेंसी के बारे में, SSC MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ 2021 के बारे में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कब इनके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हुए थे, कब इनकी अंतिम तिथि रहेगी। तो ये फॉर्म अप्लाई होने 22/3/2022 को हुए थे। मैं वीडियो थोड़ा देरी से बना रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2022 रहने वाली है। एग्ज़ाम इनके 22/6/2022 को होंगे और एडमिट कार्ड के लिए आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि फॉर्म भरने की फ़ीस क्या रहेगी। जनरल OBC और EWS की फ़ीस 100 रुपये रहेगी। SC ST फीमेल और फिजिकल हैंडीकैप्ड की फ़ीस 0 रहेगी, कोई फीस नहीं रहने वाली है। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है। टोटल पोस्ट अभी तक इसमें जारी नहीं की गई है। वैसे तो नॉन टेक्निकल एंड हवलदार की 3603 पोस्ट रहने वाली है और MTS की इसमें अभी तक कोई जिक्र नहीं किया गया है कि टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि एज क्या रहेगी इस फॉर्म को भरने के लिए, कितनी एज वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 18 से 25 एज MTS और हवलदार इन CBN की रहने वाली है। इसके बाद एज 18 से 27 हवलदार इन CBIN, एंड इसमें कुछ पोस्टें MTS की भी रहेगी, इनके लिए एज 18 से 27 रहने वाली है। इसके बाद जो छूट दी जाती है एज में, वो कुछ इस प्रकार से है। SC और ST को 5 साल की छूट रहेगी, OBC की 3 साल की छूट रहेगी, PWD अनरिजर्व्ड 10 साल की छूट रहेगी। इसके बाद PWD OBC की 13 साल की छूट रहेगी और PWD SC और ST की 15 साल तक की इसमें छूट रहने वाली है। तो दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। जनरल इंग्लिश, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 नंबर के रहने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। इसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 25 नंबर के रहने वाले हैं। इसके बाद है दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे और यह भी 25 नंबर के रहने वाले हैं। और जनरल अवेयरनेस भी इसी प्रकार से 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 ही नंबर रहेंगे। तो यह टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। टीयर वन का आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 90 मिनट दी जाएगी। और यह जो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा वही कैंडिडेट टीयर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट किस प्रकार से है। आप देख सकते हो कि MTS की जो अभी पोस्ट है वो जारी नहीं की गई है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो कि केवल 10वीं पास कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने 10th पास कर ली है वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और पोस्ट CBIC हवलदार के लिए 3603 पोस्ट रहने वाली है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 10th पास है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जो हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, और वह क्वेश्चन है कि इस एग्ज़ाम के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी
और जो 1/4 रहने वाली है 0.25 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि इस फॉर्म को आप कृपया ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को देखकर बहुत ही अच्छे प्रकार से भरे। फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भी गलती ना करें ताकि आपको फ्यूचर में इन गलतियों के कारण कोई प्रॉब्लम्स आए। और फॉर्म को भरते समय एक चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो फोटोग्राफ आप जो अपलोड करोगे वो 23 दिसंबर 2021 के बाद की क्लिक की होनी चाहिए। इससे पहले की फ़ोटो यानी पुरानी फ़ोटो इसमें अपलोड नहीं करनी है। तो दोस्तों अपना फॉर्म अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट प्राप्त ज़रूर कर ले ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। फॉर्म भरवाते ही अपना प्रिंट आउट ज़रूर प्राप्त करें। और अगर आप SSC की साइट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी आप यह पहला ही फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी सभी क्वालिफिकेशन ध्यानपूर्वक ऐड करें क्योंकि यह रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही होता है और वही रजिस्ट्रेशन नंबर SSC के हर फॉर्म में माना जाता है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद साथियों।